अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 36 और टॉपिक है स्केलेटल मसल फाइबर। के लास्ट टाइम हमने मसल फाइबर को जो है उसका फंक्शन जनिन डायग्राम भी वो हमने डिटेल के साथ रीड किया था, और हमने उसमें पढ़ा था कि जो स्केलेटल मसल फाइबर होते हैं वो बने होते हैं फर्दर स्मॉलर यूनिट्स या कह सकते हैं पार्ट से, तो उनको हम नाम देते हैं मायोफाइब्रिल्स का। फिर मायोफाइब्रिल के अंदर हमने पढ़ा था कि मायोफाइब्रिल के अंदर सीरीज होते हैं डार्क और लाइट बैंड के, और उसके बाद फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं सार्कोमियर। और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि जो हमारे पास लाइट और डार्क बैंड हैं वो मायोफिलामेंट्स से बने होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, और आज हम उसको आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास ये एक मसल फाइबर की डायग्राम बनी हुई है जिसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूं कि आउटर जो मेम्ब्रेन है जिसको आपने नाम क्या दिया था सार्कोलेमा का, सार्कोलेमा, और इसके साथ ही अंदर जो यूनिट थे हमने इनको फर्दर यूनिट नाम दिया था मायोफाइब्रिल्स का, और फिर मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो है वो लाइट और डार्क बैंड जो है वो सीरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को आपने नाम दिया था सार्कोमियर का। ठीक, आज हमने वो बैंड्स पढ़ने हैं कि लाइट और डार्क बैंड कौन से हैं और उनको हम क्या नाम देते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, तो डायग्राम के नीचे मैंने उस डायग्राम में से दो पार्ट्स निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डार्क बैंड है और दूसरा लाइट बैंड है। डार्क बैंड ये हमारे पास है डार्क बैंड, ठीक हो गया। इस डार्क बैंड को हम नाम देते हैं ए बैंड। डार्क बैंड का क्या नाम है? ईच डार्क बैंड इज कॉल्ड ए बैंड। व्हाई नेम्ड ए बैंड? ए का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक, आई मीन एन आइसोट्रॉपिक, ठीक हो गया। और एनिसोट्रॉपिक वो होता है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर उसको जो है उसकी लेंथ को मेजर करें तो जो लेंथ होती है उसकी वो क्या होती है, क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो उसे हम कहेंगे एनिसोट्रॉपिक, क्लियर। और ये जो एनिसोट्रॉपिक होती है वो क्या कह सकती है, ये कह सकती है कैन पोलराइज विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट को क्या कर सकती है, पोलराइज कर सकती है। तो इस डार्क बैंड को हम ए बैंड कहते हैं क्योंकि ये एनिसोट्रॉपिक होता है और ये विजिबल लाइट को क्या कर सकती है, पोलराइज कर सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ए बैंड जो है उसके अंदर सेंट्रल या मिड सेक्शनल पार्ट आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या है, लाइटर है। हम इसको देते हैं, इसको नाम देते हैं एच जोन का। क्या नाम देते हैं? ये जो आपको नजर आ रहा है इसका नाम है एच जोन। डेफिनेशन क्या होगी? ईच ए बैंड इज बाइसेक्टेड इन मिडल सेक्शन इज बाय लाइट स्ट्रिप इज कॉल्ड एच जोन। अब एच, एच को क्यों नाम देते हैं? एच वर्ड ड्राइव हुआ है हील से, एच ई एल ई, हील, हील कहते हैं ब्राइट, क्लियर। तो इस वजह से इसका नाम एच जोन रखा गया। अब एच जोन फर्दर आप देख रहे होंगे कि एक लाइन के साथ बाइसेक्टेड है, उसके अंदर लाइन क्या है, एक लाइन लगी हुई है, उसको हम नाम देते हैं एम लाइन का। दिस लाइन इज कॉल्ड एम लाइन, मिड सेक्शनल यानी कि एच जोन के अंदर फर्दर लाइन को कहते हैं। तो ये हमारे पास होगी कंपोजिशन ऑफ डार्क बैंड। डार्क बैंड का नाम ए बैंड है, उसको एनिसोट्रॉपिक कहते हैं क्योंकि ये पोलराइज विजिबल लाइट को पोलराइज कर देती है। ए बैंड के मिड सेक्शन ब्राइट होता है, उसको अब नाम देते हैं एच जोन का। एच जोन के अंदर जो लाइन होती है उसको कहते हैं एम लाइन, पॉइंट क्लियर। अब हम इसको बुक से रीड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल्स आर कॉल्ड सार्कोमियर। नेक्स्ट, ईच सार्कोमियर हैविंग अ सीरीज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड।
What is A band? A dark band is called A band because it is anisotropic. It can polarize visible light. Next top kya hai? H zone. What is the H zone? A band has lighter strip in the center called H zone. H is derived from heel, mean bright. Point clear? Next hai M line. The H zone is bisected by the dark line that is called M line. This is the whole is called A band. Next we deal with the study of lighter light band, या हम उसको क्या कहते हैं, light band का नाम होता है I band. ये हमारे पास यहां से लेकर ये और ये वाला portion क्या कहलाते हैं, इनको हम नाम देते हैं I band को. और ये हमारे पास हो गया I band. ठीक हो गया. What is I band? The each light band is called कौन सा band? लाइट बैंड. लाइट बैंड को हम नाम देते हैं आई बैंड का. और आई बैंड के अंदर एक लाइन होती है, डार्क लाइन होती है जो उसको बाइसेक्ट करती है, उसका नाम है जी लाइन. व्हाट इज जी लाइन? ईच आई बैंड, या आप कह सकते हो ईच लाइट बैंड इज बाइसेक्टेड इन मिडल बाय लाइन इज कॉल्ड जी लाइन. एंड जी जो है वो वर्ड ड्राइव कहां से हुआ है? विजन. और इसका मतलब वो क्या होता है के मिड लाइन ऑफ आई बैंड. क्लियर हो गया. तो ये हमारे पास आई बैंड है, ये हमारे पास ए बैंड है. अब हमारे पास सार्कोमियर क्या है? दो जी. अब देखें, एक जी लाइन ये है, एक जी लाइन ये है. द एरिया, या आप कह सकते हो द जिनके वो कह सकते हैं पार्ट जो कि दो जी लाइन के दरमियान में आता है, उसको हम स्मॉलेस्ट कॉन्टेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्कोमियर. क्लियर हो गया. तो हम इसको फिर रीड कर लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आई बैंड. ईच लाइट बैंड इज कॉल्ड आई बैंड बिकॉज इट इज आइसोट्रॉपिक. इट आइसोट्रॉपिक मीन व्हेन वी मेजर द लेंथ बाय डिफरेंट एंगल्स दे इट शो डिफरेंट लेंथ एंड कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट. इट कैन नॉट पोलराइज विजिबल लाइट, यानी कि जब लाइट इसमें से पास कराएंगे तो वो पोलराइज नहीं होगी. उसके बाद है व्हाट इज जी लाइन. जी लाइन मैंने बताया था ना कि आई बैंड के अंदर जो मिड लाइन है, ईच आई बैंड हैज मिड लाइन कॉल्ड जी लाइन. द स्मॉल द सार्कोमियर इज द रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन व्हिच इज स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायो फाइब्रिल और मसल फाइबर. पॉइंट क्लियर हो गया. उसके बाद अगर हम देखें इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी इसी को अगर हम देखें हाई मैग्निफिकेशन पावर से, तो फिर हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हमारे पास डार्क और लाइट बैंड हैं, या हमारे पास जो मायोफाइब्रिल्स हैं, वो फर्दर किससे बने होते हैं? मायोफिलामेंट से. तो मायोफिलामेंट दो तरह के होते हैं. एक होते हैं थिक मायोफिलामेंट, दूसरे होते हैं थिन फिलामेंट. थिक और थिन, ये हमारे पास दो आ गया. अब आपको डार्क बैंड के अंदर जो रेड वाले नजर आ रहे होंगे, ये थिक जो है क्या है, थिक क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या लाते हैं, थिक फिलामेंट. और दूसरे हमारे पास क्या होंगे, ये वाले, इनको हम कहते हैं थिन फिलामेंट, जो आपको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं. दीज आर दी क्या नाम इनका, थिन. तो ये हमारे पास हैं थिक फिलामेंट, और दूसरे हमारे पास जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, इनको हम क्या नाम देते हैं, ब्लू कलर के, ये हैं थिन फिलामेंट. अब आप गौर से देख सकते हैं, ये हमारा पार्ट है डार्क बैंड. डार्क बैंड के अंदर अंदर प्रेजेंट है हमारे थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट क्या है? इट कवर द एरिया ऑफ ए बैंड डार्क बैंड. क्लियर. थिक फिलामेंट आर एक्सटेंड इन टू द डार्क बैंड ओनली. और दूसरे हमारे पास जो हमारे पास लाइट बैंड है, लाइट बैंड एक तो आपको देख रहे होंगे, ये हमारे पास अगर इसको देखें तो ये हमारे पास आता है कौन सा, लाइट बैंड. और लाइट बैंड के अंदर जो थिक थिन फिलामेंट हैं, एक तो वो आई बैंड के अंदर भी प्रेजेंट है और पार्शली ए बैंड के अंदर भी. आप देखें पार्शली, ये आपको रीजन जो है वो ए बैंड के अंदर जा रहा है, तो पार्शली ए बैंड के अंदर ओवरलैप करते हैं थिक फिलामेंट को. क्लियर हो गया.
तो ये हमारे पास थिन है और ये हमारे पास थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट जो है इनका डायामीटर है 6 नैनोमीटर, जबकि हमारे पास जो थिन फिलामेंट है इनका डायामीटर है 7 to 8 नैनोमीटर। क्लियर? जो थिक फिलामेंट है ये बने होते हैं एक प्रोटीन से जिसका नाम है मायोसिन। ठीक हो गया? जबकि दूसरे हमारे पास जो है जिनका नाम हमने क्या दिखाया, थिन फिलामेंट, ये बने होते हैं, थिन फिलामेंट बने होते हैं, तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। थिन फिलामेंट मोस्टली इसके अंदर होती है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा एक्टिन प्रोटीन के अलावा इसमें दो टाइप की और प्रोटीन भी हैं, एक को नाम देते हैं ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और दूसरी का नाम होता है ट्रोपोनिन। ये हमारे पास है थिन फिलामेंट, यानी कि तीन तरह की प्रोटीन, जबकि थिक फिलामेंट में सिर्फ एक मायोसिन प्रोटीन है। इसके आगे हम स्ट्रक्चर को डील करते हैं। सबसे पहले देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिलामेंट्स। व्हाट इज द मायोफाइबर कंटेन मायोफिलामेंट्स? मायोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। द सेंट्रल सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड, थिन फिलामेंट एक्सटेंड इनटू द ईच आई बैंड एंड पार्शली इनटू ए बैंड। ये आप पॉइंट देख लेते हो कि जो डार्क बैंड के थिक फिलामेंट हैं वो सिर्फ ए बैंड के अंदर प्रेजेंट है, जबकि जो थिन फिलामेंट हैं वो आई बैंड के अंदर भी प्रेजेंट हैं और पार्शली ए बैंड के अंदर भी प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट है थिक फिलामेंट। व्हाट आर द थिक फिलामेंट? थिक फिलामेंट्स कौन से हैं जो कि डार्क बैंड के अंदर अंदर प्रेजेंट है, और ईच थिक फिलामेंट इज मेड अप इज 16 नैनोमीटर। मैंने आपको बताया कि जो थिक फिलामेंट होता है उनका डायमीटर कितना होता है, 16 नैनोमीटर। मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड मायोसिन प्रोटीन, ये 2 पॉलीपेप्टाइड मायोसिन प्रोटीन के साथ बने होते हैं। तो मैंने यहां पर डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हो एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और दूसरी उसके ऊपर ट्विस्टेड है, दूसरी ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं और पेयर शेप बनाते हैं, डबल लेग्स, और ये हमारे पास एंड के ऊपर जाकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको जो के क्रॉस ब्रिजेस बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? 2 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द एंड आर इन्वॉल्व इनटू द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये हो गए हमारे थिक फिलामेंट। अच्छा जी, उसके बाद है क्रॉस क्रॉस ब्रिजेस द हेड ऑफ द समटाइम्स कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस बिकॉज दे कनेक्ट द थिक फिलामेंट विद थिन फिलामेंट। यानी ये जो क्रॉस ब्रिजेस प्रेजेंट हैं ये थिक और थिन फिलामेंट को कनेक्ट करने के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थिन फिलामेंट। व्हाट आर द थिन फिलामेंट्स? द थिन फिलामेंट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन आई बैंड एंड पार्शली इन टू ए बैंड एंड द डायमीटर इज 7 to 8 नैनोमीटर एंड दे आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। मेजरली प्रोटीन को है वो एक्टिन प्रोटीन है। इसके साथ ही अब एक्टिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके साथ ट्रोपोमायोसिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जबकि ट्रोपोनिन जो है वो 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ये आप 3 MCQs याद करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ईच थिन फिलामेंट हैज 7 to 8 नैनोमीटर डायमीटर। उसके बाद है मेड अप ऑफ चीफली एक्टिन प्रोटीन, इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन हैज 2 स्टैंड्स विच ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। उसके बाद है, अब देखें आप देख सकते हैं जो मैंने रेड कलर के बनाए हुए हैं, रेड कलर के 2 ट्विस्टेड नजर आ रहे हैं, ये फर्ज कर रहे हैं ये हमारे पास है एक्टिन प्रोटीन। ठीक हो गया? और 2 ब्लैक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। और आप देखें ये भी उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ये भी उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। और 3C टाइप के प्रोटीन है जिनका नाम है ट्रोपोनिन। क्या है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, जिसका काम क्या होता है, ये बेसिकली 3 पॉलीपेप्टाइड है ना, तो इनमें से 1 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स जो है वो कनेक्ट होती है कैल्शियम के साथ। 3 में से 1 कनेक्ट होती है कैल्शियम के साथ, दूसरी कनेक्ट होती है एक्टिन प्रोटीन के साथ।
तीसरी कनेक्ट होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ। इस तरह से जो है ये ट्रोपोनिन इज अ थ्री पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स। एक और पॉइंट, जो हमारे पास थिक फिलामेंट होता है एंड के ऊपर, अगर ये ऐसे देखें हमारे पास एक थिक फिलामेंट है तो ये एंड पोर्शन के ऊपर छह थिन फिलामेंट के साथ सराउंडेड होता है। क्लियर हो गया, ये लास्ट आपका एमसीक्यू था। तो ये हमारा पास था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिटेल के साथ रीड करेंगे। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।